दीपावली त्यौहार के मद्देनजर दुर्ग इंदिरा मार्केट की व्यवस्थाओं का मंगलवार को नगर निगम प्रशासन के साथ जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने बाजार की स्थिति का जायजा लिया। बाजार में बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों और दुकान के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों को समझाइश दी गई और पसरा लगाकर व्यापार करने वाले छोटे दुकानदारों को भी बाजार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया। बाजार की व्यवस्था को लेकर नगर निगम अधीक्षक जितेंद्र यादव ने पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से बताया। दो तीन दिन में जो धनतेरस के बाद जो भीड़ होने वाली है मार्केट में, उसको लेकर मार्केट की व्यवस्था के लिए हम लोग निकले हुए हैं। पहले भी गाइडलाइंस इश्यू किए गए थे कि पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था है, जैसे सनीचरी मार्केट में है, टीबी हॉस्पिटल में है, गंजपारा में है, लाइन में व्यवस्था की गई है। तो उसमें अगर पार्किंग हो जाएगी तो यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक कम होगा यहाँ और अच्छे से ख़रीदारी होगी। हम चाहते हैं कि जो ये त्यौहार का जो सीज़न है, इसमें सभी लोग एक व्यवस्थित तरीके से अगर व्यवस्था रहेगी मार्केट की तो अच्छी खरीदारी रहेगी और व्यवसायी को भी अच्छा खरीदारी होगा। तो हम पार्किंग की व्यवस्था किस किस जगह की गई है? पार्किंग की व्यवस्था टीबी हॉस्पिटल में की गई है, बड़ी व्यवस्था है वो गंजपारा में की गई है, सनीचरी मार्केट में की गई है और लाइन में का जो ग्राउंड है उसमें भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो और ये जो मिडिल का जो पार्किंग जोन है यहाँ इंदिरा मार्केट में, उसमें भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो अगर वहाँ पार्किंग हो जाती है तो थोड़ा यहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगा अंदर में। सर, काफ़ी सारी व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, पब्लिक में जागरूकता देखने की कमी, किस प्रकार की अपील करेंगे? हम पब्लिक को यही अपील कर रहे हैं कि जो भी व्यापारी हैं, मार्केट वाले हैं वो और उनके जो कर्मचारी हैं, वो अगर लाइन में या गंजपारा में अगर अपनी पार्किंग कर देते हैं छोटे व्हीकल्स का, तो बाकी जो कस्टमर्स आएंगे वो यहाँ पास वाले जो पार्किंग व्यवस्था है, जैसे टीबी हॉस्पिटल का है या फिर सनीचरी का है, वहाँ पार्किंग कर पाएंगे तो खरीदारी वो लोग अंदर आके खरीदारी कर सकते हैं। तो हमारी यही अपील है कि ये लोग जो पार्किंग की जो व्यवस्था बनाई गई है उसी व्यवस्था पे कायम रहें तो एक व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। नगर निगम की टीम और CSP साहब के नेतृत्व में पुलिस विभाग की पूरी टीम अभी हम साथ में मार्केट में पूरा घूम रहे हैं, यहाँ की जो व्यवस्था के बारे में जायजा भी ले रहे हैं। और मोस्टली जो है, जिस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी कि बहुत सारे लोग दुकानदार हैं बाहर निकाल के सब सामान रख रहे हैं, उसको हम समझाइश दे रहे हैं और निवेदन भी साथ में कर रहे हैं, अपील भी है कि क्योंकि दिवाली का समय है और थोड़ा सा पब्लिक आने के लिए हमको रास्ता देना पड़ेगा, तभी वहाँ से दुकान तक पहुँच पाएंगे। तो इसी अपील और समझाइश के तहत हम दुकानों को हम अंदर भी करवा रहे हैं और पसरा वालों के लिए भी हमने जो निर्धारित स्थल है वो हमने स्पेशल कर दिया हुआ है, सभी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो ये हम कोशिश कर रहे हैं। और जनता से भी मेरी अपील वही है कि क्योंकि देखा जा रहा है मोस्टली कि जो गाड़ियों में भी आते हैं तो गाड़ियों में आने कारण से ट्रैफिक तो बाधित होता ही है और साथ में दूसरे जो खरीदी करने आते हैं और दुकानदार जो रहते हैं सबको असुविधा होती है। तो यहाँ के लोगों से भी मेरी अपील है कि स्पेशल हम पार्किंग अलग अलग स्थल पर बना कर रखे हुए हैं, टीबी हॉस्पिटल के पास में है, जस्ट अपना कुआं चौक के सामने में ही अपना पार्किंग हम बना कर रखे हुए हैं, बिल्कुल वहाँ अपनी गाड़ी पार्किंग कीजिए। मुश्किल से 200 मीटर के आसपास के एरिया है इंदिरा मार्केट, वहाँ से और वहाँ ख़रीदारी करके वापस फिर वहीं से आप अपने जा सकते हैं। तो ये लोगों से अपील है और सभी को मेरी ओर से दिवाली की शुभकामनाएँ भी हैं और इस प्रकार से बाजार की व्यवस्था में सभी का सहयोग भी अपेक्षित है।